सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली, मैं अंश माथुर। आइए डालते हैं नजर आज के समाचार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही कि बरेली में कोरोना के 3 नए केस पाए गए हैं। आपको बता दें कि बरेली में आज के नए 3 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद अब मरीजों की, जो एक्टिव मरीज हैं, उनकी संख्या, कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या कुल मिलाकर 7 हो गई है। आपको बता दें जो बरेली में 3 कोरोना के नए केस मिले हैं, जिसमें मीरगंज में तैनात एम्बुलेंस सेवा 108 के अटेंडेंट मिला है। दूसरा केस प्रेमनगर के बानखाने के 33 वर्षीय युवक मिला है, जो हाल फिलहाल में ही पिछले 3 दिन पहले मुंबई से वापस लौटा था। और तीसरा केस मझगवां ब्लॉक के हरेन नगला ग्राम का है, जिसमें 20 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। आइए बात करते हैं, हमारे पास फोन लाइन पर सीधे जुड़ रहे हैं डॉक्टर रंजन गौतम, ACMO बरेली। आज का क्या पूरा मामला है जी, बताएं। आज के अपडेट में जो रिपोर्ट्स मिली हैं, उसमें 3 नए केस पॉजिटिव आए हैं। इसमें एक 108 का अटेंडेंट है अमित शर्मा, जो मीरगंज में है, उसको हम L2 कोविड SRMS में शिफ्ट करेंगे। दूसरा पेशेंट आरिफ है, जो 33 साल का है, 3 दिन पहले मुंबई से आया था, बानखाने का रहने वाला है, नियर बर्फखाना। और तीसरा पेशेंट आसिफ है, जो हरिन नगला मझगवां का रहने वाला है, 20 साल का, लेकिन वो अभी फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो कुल इस तरीके से 3 केसेस आए हैं। जो 2 पूल पॉजिटिव आए थे, इसमें एक सिंघाई का और दूसरा डेलापीर के पास का, तो सिंघाई वाला पूल नेगेटिव आया है, और जो डेलापीर के पास का पूल था, उसमें 3 पेशेंट्स नेगेटिव आ गए, 1 पेशेंट की रिपोर्ट अवेटेड है। पूरा शहर कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन है। ऐसे में अगर आपकी दवाई या राशन की दुकान है और आप मदद करना चाहते हैं, तो www.lockdownseva.in के जरिए फ्री में रजिस्टर करवा के लोगों को जरूरत की दवाइयां या राशन भिजवा सकते हैं। यही नहीं, ग्राहक भी www.lockdownseva.in से जरूरी सामान घर पर मंगवा सकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। SD वेब सॉल्यूशंस द्वारा जनहित में जारी।